बॉस सीजन 18 के घर में बदल गए सारे समीकरण। ईशा हुई टाइम गॉड के ड्यूटी से बर्खास्त। तो बिग बॉस ने लिया इस बार पहली बार सही फैसला। करणवीर मेहरा ने मारी बाजी राशन टास्क में। करणवीर मेहरा ने दिया ईशा और विवेन के ग्रुप को मुंह तोड़ जवाब। ईशा के साथ हुई बड़ी पंगे। करणवीर मेहरा ने मारी बाजी। करणवीर को मिला स्पेशल पावर। घर में बन गए नए टाइम गॉड। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों बिग बॉस के घर में समीकरण बदल चुके हैं। बिग बॉस के घर में एक गलत टाइम गॉड किस तरीके से घर को बर्बाद कर सकता है इसका चलता फिरता उदाहरण है ईशा सिंह चुगली आंटी। अब ईशा सिंह जो है वो अब एक्सपोज हो रही हैं। ईशा सिंह को तब ज़्यादा सबसे बड़ा झटका लगा जब राशन टास्क शुरू हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं राशन टास्क शुरू होने से पहले आखिर क्यों भिड़े हैं करणवीर मेहरा ईशा सिंह से। आखिर क्यों ईशा ले रही है करणवीर से बदला। जैसा कि आपको पता होगा कि करणवीर मेहरा सबसे ज़्यादा निशाने पर रहते हैं विवेन के ग्रुप के, चाहे वो विवेन डिसेना हो, चाहे वो अविनाश मिश्रा हो या फिर ईशा सिंह। और करणवीर ने तो खुद कहा है कि इस घर में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है करण का तो वो है अविनाश। तो जाहिर सी बात है अविनाश की पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं बदला तो लेंगी। और ईशा सिंह ने बदला लेने के लिए राशन टास्क में चली ऐसी गंदी चाल और कर दिया अनफेयर गेम। दरअसल राशन टास्क शुरू होता है और बिग बॉस ने यहाँ पर अनाउंस किया कि जब बजर बजेगा उस टाइम पर जो भी चेयर पर बैठा होगा वो अपनी मर्जी से जो चाहेगा वो राशन ले सकता है, लेकिन खड़े होने वाला इंसान जो है वो आउट हो जाएगा इस टास्क से। और ऐसे में जो है वो सभी घर वाले चेयर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अविनाश पीछे रह जाता है और करणवीर ने बाजी मार ली है। चेयर पर जाकर बैठ गए हैं करणवीर। करणवीर को उठाकर ईशा ने कहा कि अविनाश तुम बैठो, जिसके बाद सबसे ज़्यादा करणवीर भड़क गया और करणवीर ने कहा कि बाप का राज है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, अगर मैं पहले बैठ गया हूँ बजर दबाने के पहले तो ये बाजी मेरी है और मैं ये चेयर को खाली नहीं करूँगा, ये अनफेयर हो रहा है मेरे साथ और इस तरीके के अनफेयर गेम को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। बगावत कर दिया है दोस्तों, बगावत करणवीर ने। करणवीर का साथ दिया शिल्पा ने, दिग्विजय सिंह राठी ने, चुम ने और इसके साथ साथ चाहत पांडे ने, और लगा दी बैंड ईशा सिंह की। ईशा सिंह और करणवीर जो है वो फायर हो गए। ईशा ने कहा कि मैं टाइम गॉड हूँ, मैं जो बोलूँगी वो आपको करना होगा करण, आपको रूल फॉलो करना होगा क्योंकि ये टाइम गॉड का लास्ट डिसीजन है। जिसके बाद करणवीर ने कहा कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, अगर तुम्हारा ये लास्ट डिसीजन है तो ये लास्ट डिसीजन आखिरी डिसीजन समझना मेरा, अब तुम्हें जो करना है कर लो लेकिन मैं नहीं उठने वाला। उसके बाद करण को घर वाले लोग समझाते नजर आते हैं कि ये टास्क रद्द हो जाएगा और राशन जो है वो किसी को नहीं मिलने वाला है, ना ही ईशा को मिलेगा, ना ही करणवीर को और ना ही विवेन की कॉफ़ी। जिसके बाद विवेन ने भी करण को समझाया कि करण इस टास्क को रद्द मत करो, लेकिन करण कहाँ मानने वाले हैं, करण जो है वो अब आ चुके हैं गेम में, करण ने वापसी कर ली है गेम में। जाहिर सी बात है करण अगर खड़े हो जाए तो करण के सामने ईशा की एक नहीं चलेगी। और यहाँ पर तो करणवीर जो है वो फेयर गेम खेल रहे हैं, करणवीर ने कहीं किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की और ईशा जो है वो लगातार करणवीर को डिच करने के लिए, करणवीर को नीचा दिखाने के लिए बार बार टास्क में करणवीर को टारगेट कर रही हैं। और अब करणवीर ने बगावत की है, करणवीर ने चेयर से उठने से बिल्कुल मना कर दिया और गुस्से में बिग बॉस ने अपना फरमान सुनाया। बिग बॉस ने कहा कि टाइम गॉड ईशा सिंह आप क्या कर रही हो, आप घर में टाइम गॉड हो या फिर हमाल हो, क्या आप घर में टाइम गॉड बनकर भी घर वालों को आप नहीं हैंडल कर सकती, तो ये जो है वो बिल्कुल बेकार है आपको टाइम गॉड बनाना, मैं 5 मिनट का वक्त देता हूँ, अगर इसके बाद भी ये जो लड़ाई है ये सॉल्व नहीं होती है तो मुझे जबरन एक बड़ा फैसला लेना होगा और ईशा तुम्हारे खिलाफ होगा ये फैसला। बिग बॉस बायस्ड है ईशा के साथ, आपको पता ही होगा कि ईशा कलर्स का फेस है और बार बार इसलिए बिग बॉस जो है वो ईशा को चांस देते हैं, चाहे वो पावर कार्ड में गलती हो या फिर इविक्शन हो या फिर ईशा को बनाना हो टाइम गॉड। बिग बॉस ने हमेशा से ही ईशा का फेवर किया है, लेकिन इस बार 5 मिनट देने के बाद अविनाश समझाता है करणवीर को और करणवीर ने यहां पर भी मना कर दिया है कि भाई तू तो दूर ही रहे इस लड़ाई से वरना मैं तेरी भी बैंड बजा दूंगा। करणवीर मेहरा बिल्कुल फायर हो चुके हैं। जाहिर सी बात है करणवीर का जो गुस्सा है वो फूटने की बड़ी वजह है कि जब से ईशा टाइम गॉड बनी है वो लगातार करण को टारगेट पर टारगेट किए ही जा रही है, चाहे वो खाने का टास्क हो, चाहे वो नॉमिनेशन का टास्क हो, चाहे वो राशन का टास्क हो, हर जगह पर करणवीर को टारगेट करना। अब करणवीर समझ चुके हैं कि किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं घर में, ईशा किस तरीके से न चाहते हुए भी जानबूझकर करण को टारगेट पे ले रही हैं और करण को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, करण को डिच किया जा रहा है शो में। जिसके बाद करणवीर और ईशा की फाइट हुई और बिग बॉस ने अपना फैसला सुनाया कि ईशा
तुम जो हो वो सक्सेस नहीं रही हो, टाइम गॉड की अवधि अब समाप्त होती है। अगर तुम टाइम गॉड रहकर घर वालों के साथ काम नहीं करा पाती तो मुझे नहीं लगता है कि तुम आगे इस घर में टाइम गॉड बनने की हकदार हो। कंटिन्यू तुम्हारा जो टाइम गॉड का टास्क है वो खत्म होता है और अब बिग बॉस चुनेंगे कि घर में कौन बनेगा नया टाइम गॉड। तो ईशा सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है टाइम गॉड की सीट से, टाइम गॉड की कुर्सी से, और ईशा सिंह फूट फूट कर रोने लगी, इमोशनल हो गई। ईशा को समझाते नजर आए विवेन दिसेना, अविनाश मिश्रा, करणवीर, जहां एक तरफ खुश हुए कि करणवीर की जीत हुई है तो करणवीर को एक बार फिर बिग बॉस ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है, सरप्राइज तोहफा, और ये तोहफा है कि करणवीर बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, करणवीर बन चुके हैं घर के नए टाइम गॉड, और ये सबसे ज्यादा शॉकिंग है विवेन के लिए, अविनाश के लिए और ईशा सिंह के लिए, खास करके अविनाश और ईशा को। अब करण ने कहा है कि अब मैं लूंगा बदला, अब मैं हूं घर का टाइम गॉड, अब मैं दिखाता हूं कि घर में किस तरीके से काम होता है, कैसे टास्क को पूरा किया जाता है। बिग बॉस आपने ये बहुत ही अच्छा किया है, अब राशन टास्क को मैं पूरा करूंगा और इन सभी से मैं काम करवाऊंगा, और ये गेम बिल्कुल फेयर होगा, किसी की भी तरफ बायस्ड नहीं होगा, मैं अनफेयर नहीं खेलता हूं, मुझे रिश्ता बनाने आते हैं, मुझे गेम खेलना आता है। इस तरीके के कई सारे गेम हमने जीते हैं और खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी मैंने यूं ही नहीं जीता है, वहां पर भी मैं फेयर गेम ही खेल रहा था। तो करणवीर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ईशा को और मार ली है बाजी, टाइम गॉड की कुर्सी छीन ली है ईशा सिंह से। वेल, आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या करणवीर को टाइम गॉड बनाकर बिग बॉस ने ये बेस्ट डिसीजन लिया है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।